अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे लड़के से जो कुछ दिन पहले एक प्यारी सी लड़की थी, आज प्यारा सा लड़का बन चुका है। ये किस तरह वाक़या पेश आया, किस तरह वो प्यारा सा लड़का मौजूद है जिसका नाम अली हसन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली हसन, क्या हाल है? ठीक। आए, मज़े ही मज़े हैं। हाँ जी। अब लड़की से लड़का बन गए हो, ये कैसे हुआ है? ये डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा, डॉक्टर के पास गए थे। पेन हुए थे तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा ये आपकी लड़की नहीं, ये लड़का। उसने रिपोर्ट की तो कराची भेजी। कराची से आगे उन लोगों ने कहा ये लड़की नहीं, लड़का। फिर हम मुल्तान गए, मुल्तान डॉक्टर को चेक करवाया। उसने भी यही कहा ये लड़की नहीं, ये लड़का। अब 5 दिन बाद ऑपरेशन है। अच्छा, 5 दिन बाद अब ऑपरेशन होना है। हाँ जी। अच्छा, जो तुम्हारी दोस्तें थी, लड़कियाँ थी, उनके साथ पढ़ते थे, तो वो अब क्या कहती हैं? वो कहती हैं भाई ये साड़ी दोस्त आए तो हम छोड़ बनेंगे। अब छेड़ती हैं जी। मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। यानी पहले घर में बैठना पड़ता था, अब तो तुम कहीं ना कहीं चले जाते हो। जी। तो जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह उनको खुश करे। अल्लाह आपको खुश करे। हाँ जी। तो ये बताओ कि अब आपका, पहले आपका क्या नाम था? हीना मजीद। हीना मजीद। अब क्या नाम है? अली हसन। अली हसन। हाँ जी। भी मेरे साथ इनके वालद भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इनकी 5 बेटियां थी, एक बेटा था, अब 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हो चुके हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अंकल जी, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहेंगे इस मौके पर आपको, आपका ये बेटी बेटे में तब्दील हो गई है, तो क्या कहेंगे इस वाले से? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पहले तो जैसे 3 बड़ी बहनें हैं, ये 4th नंबर पर बेटी थी। बस यकदम कोई महीने एक पहले इसके दर्द हुआ है, वो पेन दिया, डॉक्टर को चेक करा, फिर यहाँ से उन्होंने डाउट किया, उन्होंने मुल्तान भेज दिया। वहाँ डॉक्टर इरफान साहब हैं, इरफान हैदर सनियाना साहब, उन्होंने वहाँ जाकर डिक्लेयर किया कि ये बेटी नहीं है, आपका बेटा है। फिर मुख्तलिफ टेस्ट करवाए, टेस्ट में वो डिक्लेयर हो गया कि ये वाकई बेटा है। तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते हैं। पहले एक था छोटा बेटा, उधर 4th पढ़ता है, 11 साल का है, और ये 7th में पढ़ती थी। अभी इंशाल्लाह इसको स्कूल में लड़कों वाले में दाखिल करवाएंगे। अभी ये लड़का बन चुका है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक सहारा अच्छे टाइम पे दे दिया। अच्छा, ये इसका नाम किसने रखा है, अली हसन? ये डॉक्टर साहब हैं, इमरान अदर सलियाना साहब। तो उन्होंने इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है जब डिक्लेयर करने से पहले, तो उन्होंने इसका नाम, इसने बताया मेरा नाम हिना मजीद है। उन्होंने बोला आज से तेरा नाम बदल दिया, मैंने आज तुम्हारा नाम रख दिया अली हसन। और मुझे उन्होंने कहा कि भाई ये नाम इसका पक्का कर दो, चेंज नहीं करना। मैंने बोला आपने नाम दे दिया है, इंशाल्लाह यही इसका नाम रहेगा। अच्छा, आपको हैरानगी नहीं हुई जब अचानक एक आपको ये वाकई शॉकिंग चीज़ थी कि इस उम्र में 59 ईयर एज है मेरी, एक तो लेट बच्चे पैदा हुए, फिर उस उम्र में सहारे, जब सहारा मिल जाए इंसान को, तो वो तो बहुत शॉकिंग था। वो जब मुझे पता चला कि ये बेटा है, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, वो वक्त तो था ऐसा जब मुझे महसूस हो कि अल्लाह ताला ने एक मुझे आसरा दे दिया। तो अल्लाह ताला इसकी भी उम्र दराज करे, और जिनके यहाँ बेटियाँ हैं उनको सब्र करना चाहिए। अल्लाह करीम बड़ा बेनियाज है, अल्लाह उनको बेटे भी अता करे, और अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी खुशियाँ नसीब। क्योंकि अल्लाह ताला अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ते, वो किस हाल में भी उन्हें ना। बिल्कुल, अल्लाह करीम बड़ा बेनियाज है, अल्लाह करीम बड़ा बेनियाज है, इंसान की ज़रूरत पूरी करता है वो। मुझ मौलाना साहब से मुलाकात हुई, एम पी ए साहब से, तो वो कह रहे थे कि दुआ तूने 15 साल पहले मांगी थी, मंजूर अब हुई है। ये अल्लाह करीम के बुज़ुर्गों की बातें होती हैं, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने सही वक्त पर एक सहारा दे दिया। अच्छा, अब आपने इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया कि उसी स्कूल में अब नहीं, लड़कियों वाले स्कूल में उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने तो लड़कियों वाला जारी किया ना। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस है, ये नादरा का, वहाँ से इसको वो चेंज करेंगे, नाम लड़की से लड़का कन्वर्ट होगा, तो फिर लड़कों वाले स्कूल में दाखिल करवा देंगे। लेकिन ट्यूशन वगैरह पढ़ रहा है, तलीम जारी है, लेकिन दाखिला भी वो जब तक नाम चेंज नहीं होता ना उस वक्त तक, तो फिर लड़कियों वाले उसको, लड़कों वालों तो उस नाम से दाखिल करना नहीं है ना, ये मसला है। अच्छा अली हसन, अब पहले आप कहीं दूर नहीं जा सकते थे, अब आप दूर जाते हैं, अब आप मज़े से घूमते हैं फिरते हैं, तो आपको कैसे लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। तो आप इस मौके पर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? आपके वालद भी डॉक्टर हैं? हाँ जी, डॉक्टर के अब्बू की दुकान से। अच्छा, तो पहले क्या बनना चाहते थे? पहले भी डॉक्टर। पहले भी डॉक्टर? हाँ जी।
तो अब भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ जी नाज़रीन, ये प्यारा सा लड़का मेरे साथ मौजूद है, जो लड़की थी लड़का बन चुका है। अल्लाह ताला इसकी उम्र लंबी करे, इसे एक अच्छा नेक इंसान बनाए, ताकि ये अपने वालदैन का नाम रोशन कर सके। अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखनी चाहिए। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।